आज आपने नामांकन किया, क्या लगता है किस तरह का श्रेय देना चाहते हैं अपनी जीत और सफलता को? सबसे पहले मैं इटावा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने इतने शानदार जिला पंचायत सदस्य इटावा का जिताकर भेजे हैं। इन सारे सदस्यों ने एकमत होकर हमारा समर्थन किया है, तो मेरा सारे जिला पंचायत सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और मुझे लगता है जिस तरह से इटावा की जनता ने जो जनमत दिया है, हमें दिया हो या सारे सदस्यों को दिया हो, तो सारे सदस्य उस जनमत पर खरा उतर कर आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से बीजेपी के लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बीते समय में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वो ढूंढे नहीं मिल रहे, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में? देखिए, ये शुरुआत हो गई है परिवर्तन की। आने वाले समय में इसी तरह से बीजेपी के सारे लोग मुंह छुपाए दिखाई देंगे, कोई भी आपके सामने नजर नहीं आएगा। अंशुल जी, यहाँ पे सांसद है बीजेपी के, दो विधायक है, क्या वजह रही कि इनके होने के बाद भी पार्टी एकदम से खत्म हो गई? देखिए, जनता किसी को ऊपर पहुंचा भी सकती है, नीचे भी ला सकती है। जनता ने पहले इनको समर्थन दिया था तो ये लोग सांसद और विधायक बन गए, लेकिन ये जनता की उम्मीदों को खरा नहीं उतरे। और जिस तरह से आज जो माहौल है, जनता मन बना चुकी आने वाले समय में 2022 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का। 24 सीटों में से आपको कितने लोगों का समर्थन पूरी तरह से? हम तो सारे के सारे लोगों का समर्थन मानते हैं, जब हमारे खिलाफ किसी ने पर्चे ही नहीं दिया, इसका मतलब है सभी का समर्थन। बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन के दिन, देख ले रहे हैं कि हम जीत के दिखाएंगे, क्या लगा आपको ये दावा था? ये इसके बारे में आप उन्हीं से पूछ लेंगे, वही ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। उन्होंने किस सुख से ये जवाब दिया था आप लोग? क्या आपको लगता है कि गठबंधन का श्रेय आपको मिला है प्रसपा और सपा का? बिल्कुल बिल्कुल, उसका फायदा मिला है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से हम लोगों ने जो सफलता हासिल की है, इसमें कहीं ना कहीं इस गठबंधन का भी लाभ रहा। 2022 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि चाचा के समर्थन से आप आगे बढ़ पाएंगे, आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, इसका जो भी निर्णय होगा दोनों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, जो भी वो फैसला होगा सारे लोग उसी को मानकर आगे काम करेंगे। भैया जिंदाबाद, उम्मीद तो पूरी है गठबंधन चलने की। बिल्कुल बिल्कुल।